राज्य अध्यक्ष भारत की जनवादी नौजवान सभा हिमाचल प्रदेश। भारत की जनवादी नौजवान सभा पिछले कल संयुक्त समन्वय कमेटी की बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के अधिकांश कर्मचारी, जिनमें से आउटसोर्स कर्मचारी, अंशकालीन कर्मचारी, पुलिस के जवान सहित तमाम कर्मचारियों को निराश करने की कड़े शब्दों में निंदा करती है। और नौजवान सभा ये मानती है कि जो पिछले कल की बैठक है वो पूरी तरह से खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली कहावत को सार्थक करने वाली हुई है, क्योंकि सरकार ने मात्र एक ही निर्णय जो अनुबंध कर्मचारी का अनुबंध 3 साल से 2 साल की एक स्वागत योग्य निर्णय लिया है। बाकी जितने भी निर्णय जो सरकार ने लेने थे उन पे जो आनाकानी की और कमेटियां पर कमेटियां बैठाकर उन तमाम मसलों को टाल दिया है। और हम ये मानते हैं कि जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था अंशकालीन कर्मचारियों को नियमित करना था, उसके साथ साथ जो आउटसोर्स कर्मचारियों के सबसे बड़ा सवाल है, जिसमें हजारों हजार कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में जिनको नियमित करने के लिए जाना था उनको अनसुलझा छोड़ दिया। पुलिस के जवान जिनका कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही 8 साल का है, उस कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल लाना था, वो सरकार ने नहीं किया है। जो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल जो है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसकी जो है मांग कर रहे हैं, उसको सरकार ने पूरी तरह से अनसुना किया है, उस पर जो है कोई गौर नहीं फरमाया। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण था, जो ज्वाइनिंग की डेट है उसको जो है वरिष्ठता के लिए पात्रता देनी थी, वो सरकार ने नहीं किया है। इसलिए नौजवान सभा ने मांग की है प्रदेश सरकार से कि जो कर्मचारियों को मसले हैं उनको तुरंत शीघ्र अतिशीघ्र उनको जो है पूरा किया जाए, और कर्मचारियों के जो बेनिफिट है, जो उनके मुद्दे हैं, उनको शीघ्र अतिशीघ्र सुलझाया जाए। धन्यवाद।